मैं हम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान से जुड़ी हुई खबर आ रही है, वो भी वांटेड टू को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई नजर आ रही है। इंशाल्लाह तो चली गई, सलमान खान नहीं कर रहे वो फिल्म। उसके बाद से ये कयास लगाया गया कि टू को लेकर सवाल उठे, रेडी टू को लेकर सवाल उठे और टाइगर थ्री को लेकर भी सवाल उठे। फिर ये सवाल उठे कि कोरियन रिमेक जो है, जो बैटन थी उसका रिमेक होगा, वो भी गलत हुआ। उसके बाद ये सवाल उठे हाल फिलहाल में द आउटलॉस करके जो फिल्म है 2017 की कोरियन फिल्म, साउथ कोरियन फिल्म, उसका रिमेक होगा। अब जो नई चर्चा सामने आ रही है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सलमान खान वांटेड टू ही करेंगे प्रभु देवा के साथ। 2009 में वांटेड आई थी और वांटेड फिल्म कभी बहुत अच्छी फिल्म थी और वहां पर सलमान खान का रोल राधे था और इसके पहले तेरे नाम में भी उनका रोल राधे था। और ये बहुत ही बड़ी मैगजीन की एक खबर है और जहां पर ये कहा जा रहा है कि सलमान खान बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाले हैं वांटेड टू के बारे में और प्रभु देवा ही डायरेक्टर रहेंगे। यानी कि यहां पर ये भी खबर आई थी बीच में कि सलमान खान की बैक टू बैक कॉप फिल्म मतलब पुलिस इंस्पेक्टर वाली फिल्म होने वाली है। तो उस हिसाब से भी ये खबर सही लग रही क्योंकि सलमान खान दबंग थी में तो पुलिस इंस्पेक्टर बनी रहे एंड देन वांटेड टू में भी पुलिस इंस्पेक्टर बने क्योंकि वांटेड में भी थे वो पुलिस इंस्पेक्टर, इस तरह का ही रोल था उनका, राइट। तो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग न्यूज टू सी एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच। और खबर के हिसाब से जो मैगजीन का कहना है कि बहुत जल्दी खबर ऑफिशियल हो जाएगी एंड दैट मीन्स वैसे भी अक्टूबर का महीना चालू हो चुका है, इसके फर्स्ट या सेकेंड वीक में अगर सलमान खान ने अनाउंस की तो जरूर उनकी आएगी ईद पर फिल्म, अदरवाइज शायद नहीं आएगी। तो मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले जो ये हफ्ता चालू होगा अभी इस हफ्ते में जरूर कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है सलमान खान की तरफ से। फिलहाल आप कितने खुश है कि वॉन्टेड टू की फिल्म को ज्यादा चर्चा हो रही है या वांटेड टू फिल्म सलमान खान कर सकते हैं, इससे कितने एग्री हो आप जरूर बताइए। अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है तो जो ये कह रहे कि भैया तो ऑफिशियल कंफर्मेशन के बगैर इतनी बड़ी बड़ी न्यूज बनाता है, तो मैं आपको कह दूं कि बॉलीवुड में हमेशा जो न्यूज आती है उसमें से 80-90% र्यूमर होते हैं, 10% ही उसमें से सही न्यूज होती है। लेकिन कभी कभी कुछ र्यूमर्स भी सच होते हैं और कुछ बड़े र्यूमर्स बताना बेहद जरूरी है और इसलिए मैं उस र्यूमर्स को बताता हूं। तो जिनको लगता है कि खबरें मेरी फेक है या खबरें पूरी तरह से गलत है तो प्लीज आप मत देखिए। सबसे ज्यादा बढ़िया तरह से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जिनको भरोसा है मेरे पर, जिनको लगता है कुछ अच्छी खबर देता हूं तो जरूर देखिए। और मैं खबर खुद से नहीं बनाता हूं दोस्तों, खुद से बनाने लग जाऊंगा ना बहुत आगे जाऊंगा, खुद से नहीं बनाता हूं खबरें, इतना दिमाग ही नहीं यूज कर सकता हूं मैं। एंड दिस न्यूज इज वेरी मच ऑन द हाइप और ये खबर अगर सच हुई तो इसमें बहुत आई थिंक खुशी होगी मुझे क्योंकि वांटेड टू एक कमाल की फिल्म होगी, इतना मुझे उम्मीद है। आपकी क्या राय इस खबर के बारे में जरूर बताइए कि वांटेड टू अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है वो भी ईद 2020 के लिए, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।